अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अलिफ न्यूज़ में खुश आमदीद। उम्मीद की जाती है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पाकिस्तानी अफवाज के जेरे इस्तेमाल थर्मल वेपन साइट। थर्मल वेपन साइट एक ऐसी डिवाइस है जो कि फौजी राइफलों के ऊपर नस्ब की जाती है और ज्यादातर रात के वक्त इस डिवाइस यानी थर्मल वेपन साइट का इस्तेमाल करके दुश्मन को देखा जाता है। पाकिस्तान आर्मी बड़े पैमाने पर इन साइट्स का इस्तेमाल करती है। इन्हें ज्यादातर पाकिस्तान की बनाई हुई G3 राइफलों, मशीन गनों और स्नाइपर्स पर नस्ब कर रखा है। ये साइट्स पहले पाक फौज सिर्फ LOC पर इस्तेमाल करता था, मगर अब ये साइट्स पहले पाक फौज सिर्फ LOC पर इस्तेमाल करती थी, मगर अब इन्हें वजीरिस्तान और पाक अफगान बॉर्डर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बात काबिले फख्र है कि इस तरह की जदीद डिवाइसेस पाकिस्तान में बनाई जा रही हैं। पाक आर्मी के जेर इस्तेमाल ये थर्मल वेपन साइट पाकिस्तानी कंपनी शपलीक की बनाई हुई है। इस थर्मल वेपन साइट का नाम टारजेर है। अगर इस जदीद साइट की खसूसियात पर बात की जाए तो ये 2.5 किलोमीटर तक इंसान को रात के अंधेरे में देखने की सलाहियत रखती है, जबकि किसी गाड़ी वगैरह को 4 किलोमीटर के फासले से देख सकती है। इस थर्मल इमेजिंग साइट को चार्ज करने के बाद 10 घंटे तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा सिपाही इस थर्मल इमेजिंग साइट की मदद से टारगेट को जूम यानी नजदीक करके भी देख सकता है, जो कि 4x इलेक्ट्रॉनिक जूम के तहत किया जा सकता है। इसे हर तरह के मौसम में रात और दिन के वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है। इस जदीद थर्मल इमेजिंग साइट की मदद से वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, जो कि मुख्तलिफ ऑपरेशन के दौरान की जाती है। जदीद राइफलों, मशीन गनों और स्नाइपर्स पर नस्ब थर्मल इमेजिंग साइट इनकी हिफाजत को मजीद बढ़ा देती है। यूं रात और खराब मौसम में दुश्मन की पेश कदमी को रोकने में मददगार साबित होती है। जी तो दोस्तों, ये थी आज की न्यूज और जल्द ही दूसरी न्यूज के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। शुक्रिया।